नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात जबलपुर की। पुलिस पर रंगदारी मांगने के आरोप लगे हैं, दुकानदार ने लगाए हैं 20,000 मांगने के आरोप। बता दें एसपी कार्यालय पहुंचा है पीड़ित दुकानदार, हंगामा तोड़फोड़ का सीसीटीवी भी सौंपा है। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। ये तस्वीरें जबलपुर की। रंगदारी मांगने के आरोप पुलिस पर लग रहे हैं, दुकानदार ने 20,000 की रिश्वत मांगने के आरोप लगाए, रंगदारी मांगने के आरोप लगाए हैं और इसका सीसीटीवी भी दिया है। पुलिस जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। ये तस्वीरें जहां पर पुलिस पर रंगदारी मांगने के आरोप लग रहे हैं, जबलपुर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 20,000 रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप दुकानदार के द्वारा लगाए गए हैं। आप देखिए किस तरह पुलिस के द्वारा जो ठेले वाला है यहाँ पर सामान बेच रहा है, किस तरह से उसके ठेले को पलट दिया जाता है वहां पर। ये देखिए ये तस्वीर, किस तरह से ठेले पर लात मारी जाती है, उसे पलट दिया जाता है। और ये पूरी जो तस्वीर है, अब ये लेकर के थाने ये दुकानदार, ये युवक पहुंचा है और कार्रवाई की मांग उसके द्वारा की जा रही है। चंद्रवान साहब आए और उनके साथ नरेंद्र मोर और रोहित दुबे जी आए और सलेन सनोडिया जी, तो आके दुकान में तोड़फोड़ किए और 20,000 रुपए की मांग किए कि 20,000 रुपए नहीं देगा तो तेरे को पटांग केस में फंसा देंगे। और अभी 12 तारीख को आए तो मारा पीटी भी किए कि चंद्रभान साहब ने पहुंचाए हैं 20,000 रुपए दे, क्या हुआ। गोरखपुर के सब इंस्पेक्टर चंद्रभान और उसके साथ 2-3 और कर्मचारी इनके दुकान में तोड़फोड़ किए हैं, पैसों की मांग करते हैं। शिकायत आवेदन पत्र को हमने ले लिया है और जाँच हेतु इसको CSP गोरखपुर को भेजा जा रहा है और जो भी जांच के बाद अगर ये चीजें सही पाई जाती है तो उनपे विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, यहाँ पर गुंडागर्दी कोई करे तो उन पर कार्रवाई पुलिस करती है, पर अगर पुलिस ही गुंडागर्दी पर मनमानी पर उतर आए तो आखिर कार्रवाई कौन करेगा? ये तस्वीरें सामने आई है, कोई पहली तस्वीर नहीं है ये। जी बिल्कुल ऋतु, यही सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि आचार संहिता भी लगी हुई है, पुलिस के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है। जिस तरह की ये घटना सामने आई है, CCTV में साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस कर्मी जाते हैं दुकान के जो ठेला बाहर लगाता है, टेबल लगाता है, उसमें लात मार करके पूरा सामान गिरा देते हैं, नुकसान भी करते हैं और साथ ही 20,000 रुपयों की वसूली करने का, मांग करने का भी आरोप सामने आया है। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पूरी घटना के पास्ट में क्या कहानी है वो जांच में स्पष्ट होगा, लेकिन इस तरह के किसी की दुकान में लात मारना, किसी को तोड़ फोड़ करना, ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। पुलिस के पास कानूनी कार्रवाई करने के कई तरीके हैं। आरोपी की दुकान बंद कराई जा सकती थी, उसके खिलाफ मामला दर्ज करके उसे जेल में पहुंचाया जा सकता था। यदि कोई मानवता और इंसानियत के नाते भी यहां पर इस तरह का व्यवहार शायद नहीं करना चाहिए था, लीगल एक्शन कोई लिया जाता, नोटिस दिया जाता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है साहब। बहुत शुक्रिया फिलहाल पवन। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने लापरवाही और अनियमितता पर कड़ा एक्शन लिया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने 5 पटवारी और 1 राजस्व निरीक्षक को कार्य में लापरवाही और राजस्व विभाग के कार्यों में अनियमितता के चलते निलंबित कर दिया। कलेक्टर का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों राजस्व की बैठक में कलेक्टर ने पटवारी और निरीक्षक को हिदायत दी थी। देखिए, जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि अनावश्यक कार्य रोकने को लेके और जनता के काम ढंग से ना करने को लेके शिकायतें प्राप्त हुई थी, इस आधार पर 6 पटवारी और 1 RI को मेरे द्वारा निलंबित किया गया है और आज की बैठक में भी ये ताकीद सभी को दी गई है कि इस प्रकार की शिकायतें नहीं आनी चाहिए और अगर इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो न केवल RI पटवारी बल्कि उनके जो नियंत्रणकर्ता अधिकारी हैं। श्योपुर जिले की बात करेंगे। CMHO डॉक्टर JS राजपूत ने विजयपुर में छापामार कार्रवाई की और इस दौरान लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे झोला छाप के क्लिनिक, अवैध एक्सरे मशीन और पैथोलॉजी लैब सहित 3 दुकानों को सील कर दिया। इसी के साथ ही उन्होंने टर्राकला, वीरपुर और विजयपुर के 5 झोला छाप डॉक्टरों को नोटिस भी जारी किया। CMHO के सेक्शन से झोला छाप डॉक्टरों और अवैध एक्सरे मशीन और पैथोलॉजी लैब संचालित करने वालों में हड़कंप भी मच गया। जाते हैं देखा ही लैब चल रही है, इस पर काफ़ी उसका पंजीयन है, इस पर कुछ ना डॉक्टर बैठे हैं, तो इस तरह की कैफेंट करेंगे तो अपने नुकसान कम लोगों के लिए यार। मैंने गलत नहीं किया, डॉक्टर दुकान डॉक्टर कौन
अपन लोगों के लिए जानो खतरा हो कुछ रिपोर्ट से के लिए सहयोगी दीपक दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, यहां पर झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई सख्ती साफ तौर से नजर आई है सीएमएचओ की, साथ ही साथ यहां पर यह भी जानकारी दीजिएगा कि आखिर कितने लंबे वक्त से ये लैब वगैरह संचालित हो रही थी। जी बिल्कुल, जहां तक कार्रवाई की बात करें तो एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन है। एक पैथोलॉजी लैब, एक्सरे मशीन और एक झोला छाप डॉक्टर का क्लिनिक सील किया गया है। 5 झोला छापों को नोटिस जारी किए गए हैं। एक बड़ी कार्रवाई और होना यही चाहिए, लगातार इस तरह की कार्रवाइयां होती रहनी चाहिए, क्योंकि जिले भर में करीब 1000 के आसपास झोला छाप डॉक्टर हैं जो गांव गांव तक क्लिनिक खोल के बैठे हैं और मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। खास बात यही है कि उनके पास ना डिग्री है, कई लोग तो 5वीं और 8वीं पास तक नहीं है, फिर भी डॉक्टर बन करके लोगों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे में कई हादसे भी यहाँ पर देखने को मिले हैं, कई मरीजों की मौत भी इनके उपचार के दौरान हुई है। इसके बावजूद सख्त एक्शन की जहाँ जरूरत होती है वो नहीं होता, इस वजह से लगातार इनके जो क्लिनिक है उनकी संख्या बढ़ रही है। अब सीएमएचओ ने कार्रवाई करके बीड़ा उठाने की बात कही है और आगे पुलिस फोर्स ले जा करके बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की बात की उनके द्वारा की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। और एमपी में सियासत से जुड़ी एक बड़ी घटना हुई। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के घर पुलिस पहुंची। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी ने कमलनाथ के पीए आरके मिगलानी और एक पत्रकार पर कथित वीडियो वायरल करने के आरोप लगाए थे और इसी मामले में केस दर्ज करने के बाद पुलिस मिगलानी से पूछताछ करने के लिए कमलनाथ के शिकारपुर स्थित बंगले पर पहुंची। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू का आरोप है कि कमलनाथ के पीए आरके मिगलानी ने निजी चैनल के पत्रकार को उनका एक कथित वीडियो वायरल करने के लिए 20 लाख रुपए का प्रलोभन दिया। छिंदवाड़ा एसपी मनीष खत्री की माने तो आरके मिगलानी और पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पत्रकार से पुलिस पूछताछ कर रही है, उनका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। तो वहीं मिगलानी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देने और कुछ समय मांगने पर पुलिस ने उन्हें नोटिस देकर वापस लौटाई। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के घर पर पुलिस के पहुंचने के मुद्दे पर एमपी के मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, कमलनाथ देश के पहले ऐसे नेता हैं जो चुनाव के वक्त अपने घर पर सीधे हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। इसके लिए घर पर हेलीपैड बनवाया। चुनाव आयोग को इस मामले में जांच का पूरा अधिकार है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि कमलनाथ धन बल से चुनाव जीतना चाहते हैं। ने घर पर हेलीपैड बनाकर हेलीकॉप्टर उतारता है। हेलीकॉप्टर में आप क्या लेकर जाते हो? चुनाव आयोग के पदाधिकारियों को इस बात का पता करने का अधिकार है। आप घर में हेलीपैड नहीं बनाते, शायद अधिकारी घर वहां पर नहीं जाते, और ये सच है, देश की पूरी दुनिया जानती है कि वो धनबल के दम पर परिणामों को बदलने की कोशिश करते हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के घर पर पुलिस के पहुंचने पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी डराने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा, बीजेपी छापे डलवाकर हमें डराना चाहती है। ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस का एक एक नेता इन परिस्थितियों के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि डराएंगे, धमकाएंगे, दबाव निर्मित करेंगे ताकि हम विपक्ष की भूमिका को धीमा कर दें, डर जाएं। पर डरने वाले सब चले गए, अब जो बचे हैं वो संघर्ष करने वाले हैं, जिद्दोजहद करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव होने में सिर्फ कुछ दिनों का समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता लगातार मध्य प्रदेश के हर जिले का दौरा कर जनता को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के स्टार प्रचारक भी चुनावी रण में उतर चुके हैं और इसी कड़ी में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो रोड शो करेंगे। खजुराहो संसदीय सीट पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी राजा भैया प्रजापति को इंडिया गठबंधन ने समर्थन दे दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान आया, सपा ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी को समर्थन दिया है तो कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ है। खजुराहो का उम्मीदवार होगा फॉरवर्ड ब्लॉक के,
प्रजापति जी, आज पार्टी सपा उनको सपोर्ट करेगी, हम सपा को करेंगे। खजुराहो का उम्मीदवार होगा फॉरवर्ड ब्लॉक के, प्रजापति जी आज पार्टी सपा उनको सपोर्ट करेगी, हम सपा को करेंगे। खजुराहो में इंडिया गठबंधन का अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव के रोड शो की तैयारी है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक की माने तो समाजवादी पार्टी के साथ चर्चा हुई है और दोनों नेताओं के संयुक्त रोड शो के साथ ही उनकी अलग अलग सभा की भी तैयारी का प्रस्ताव बनाया गया है। आपको बता दें कि आरबी प्रजापति को खजुराहो से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया है। एक्चुअली जो है एक नॉमिनेशन फॉर्म निरस्त हो जाने के पश्चात जो है इंडिया अलायंस मतलब उसमें थे कि उन्हें कोई उपयुक्त कैंडिडेट मिले, तो इस संबंध में काफ़ी बृहद जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है काफ़ी बृहद चर्चाओं के बाद में है ये निष्कर्ष निकाला गया है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है और ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है स्थापित पार्टी है और हम भी उस मतलब इंडिया अलायंस का हमारा भी जो दल है वो घटक दल है। मीरा यादव जी का जो नामांकन निरस्त हुआ इस संबंध में क्या कहना है? नहीं, मैं उस संबंध में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वो जो है अब जो भी चीज हो चुकी है अब वो कोर्ट में ही उसका जो है। पूरे चुनाव में आप बीडी शर्मा जी को किस तरह से चुनौती के रूप में देखते हैं? जी, ये तो चुनाव है और ये सब जनता। कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी को समर्थन देने पर बीजेपी ने तंज कसा, कहा कि कांग्रेस की हालत मौजूदा वक्त में सबसे खराब है। खजुराहो लोकसभा सीट पर कांग्रेस को कोई प्रत्याशी नहीं मिला। खजुराहो सीट फॉरवर्ड ब्लॉक के किसी उम्मीदवार को अपना समर्थन देके चुनाव लड़ना पड़ रहा है, इससे उनकी हालत समझी जा सकती है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में और देश में किस हालातों में चुनाव लड़ रही है। किसी को भी समर्थन दे दें कुछ होने जाने वाला नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी विजयी होंगे। एमपी में आज बीजेपी के दो प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। ग्वालियर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और इसी मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। इसके अलावा प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत बीजेपी के कई आला नेता नॉमिनेशन के वक्त भारत सिंह के साथ मौजूद रहे। राजगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी रोडमल लागर ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इनके नामांकन में डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। आज से वास्तव में चुनाव का हमारा विधिवत फॉर्म भरने के बाद का चुनाव का शंखनाद होगा और जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है निश्चित रूप से पूरा प्रदेश 29 की 29 लोकसभा सीट हम जीतने जा रहे हैं और प्रदेश में ऐतिहासिक वोट से भाजपा जीतेगी। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता के नामांकन भरते के समय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे श्रीमंत ज्योतिराय सिंधिया जी, पूर्व गृह मंत्री हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद विवेक शेवलकर जी, हमारे दोनों अध्यक्ष अभय चौधरी, कुशल शर्मा जी इस बीच उपस्थित हुए। सभी नेतृत्व का और जनता का आशीर्वाद आज लेकर मैंने फार्म भरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस का वादा है सनातन धर्म को नष्ट करना, कांग्रेस ने वादा खिलाफी को अपनी नीति बनाई है, ऐसी कांग्रेस पार्टी को जनता त्याग देगी। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है, बता दें ग्वालियर पहुंचे थे और इसी बीच उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी ने वादा खिलाफी अपनी नीति बनाई है, जिस कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार अपनी नीति बनाई है, जिस कांग्रेस पार्टी ने सनातन धर्म को नष्ट करने का संकल्प अपना वादा बनाया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने शक्ति को विनाश करने का संकल्प अपना लक्ष्य बनाया है, उस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण रूप से जनता ही त्याग देने वाली है, इसका हमें पूर्ण। सीएम मोहन यादव ने बीजेपी के संकल्प पत्र के जरिए 2047 तक के विकसित भारत के विजन को बताते हुए कहा कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने देश की जनता से जो वादे किए वो पूरे किए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रदेश को जिन जिन सेक्टर में काम सौंपे गए वो पूरे किए गए। सीएम की माने तो बाबा महाकाल का महालोक बनने के बाद धार्मिक लोक में मध्य प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई और संकल्प पत्र में टूरिज्म पर ज्यादा जोर दिया गया है। हेलो
यशस्वी प्रधानमंत्री ने विगत 10 वर्ष में जिस जिस सेक्टर में जो काम करने के आयाम दिए थे, मध्यप्रदेश सरकार ने मेरे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में उसमें काफी हद तक काम किया है। और जो समय मुझे मिला है उस समय में हमने भी उसमें बढ़ने का प्रयास किया, उसके संकल्प लिए। हमारे यहाँ सभी प्रकार का पर्यटन की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राहुल गांधी पर दिए बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा कि शिवराज सिंह खुद रणछोड़ दास हैं, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। ये रणछोड़ दास तो खुद शिवराज सिंह चौहान है, जब मुख्यमंत्री होते हुए उनको रणछोड़ दास बना दिया। आज जिसके नाम से चुनाव लड़ा गया, जो चुनावों में रात रात दिन दिन भगे और जब सत्ता की बात आई तो उन्हें दरकिनार कर दिया गया, तो उनसे बड़े रणछोड़ दास कौन हो सकते हैं। तो ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता कि वो छोड़ के चले गए। जमीन नहीं तो वोट नहीं, जमीन नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के हजारों आदिवासियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। जबलपुर के सीहोर विधानसभा क्षेत्र के करीब 59 गांवों में रहने वाले ग्रामीणों ने मतदान न करने का ऐलान किया। जमीन पर अधिकार की अपनी मांगों को लेकर एक महीने से आंदोलन कर रहे आदिवासियों का कहना है कि सरकार उनसे उनकी आय का साधन और छत छीन रही है और कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं, इसलिए उन्होंने अब मतदान का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया है। हमारी मांग यही है सर कि 30-35 साल से हम वन विभाग की ज़मीन करते रहे, अब वो भी हमारी ज़मीन को एक साल से हो गए अपने उसमें ले लिए हैं, बाउंड्री ऑन्डी करवा दिए हैं, तो अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारी ज़मीन हमें वापस दीजिए और पट्टा हम गरीबों को बनाकर दें। अगर ज़मीन नहीं दी जाएगी तो हम लोग वोट नहीं देंगे और वोट नहीं देंगे जब तक हमारी ज़मीनें नहीं मिलेंगी। और हम यहाँ के गरीब आदिवासी हैं, हम लोगों को किस तरीके से मेहनत करके उस ज़मीन को हम लोगों ने सीधे किया और सरकार ने। और अब जिक्र बुरहानपुर का, यहां पर बुनकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आ चुके हैं और इसके बारे में बात करेंगे, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। पहले जबलपुर का जिक्र करते हैं जहां पर शहर से लेकर गांव तक कपड़े चुराने वाले बदमाशों का आतंक बचा हुआ है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र से सामने आया जहां कपड़े चुराने वाला चोर घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि चोर घर की बाउंड्री पर सूख रहे अंडरगार्मेंट्स चुराकर भागता नजर आ रहा है। बहरहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जाएगी। इससे पहले पनागर थाना क्षेत्र के एक गांव में साइको चोर की करतूत भी सामने आई थी। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, अंडरगार्मेंट चुराकर ये चोर भाग जाता है। इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं और परेशान लोगों ने इसकी शिकायत की है। व्यक्ति 3 घरों में घुसा था और कपड़े जो सूख रहे थे उसको ये फाड़ देता है और इसको इस पर कार्रवाई की गई है। जो सीसीटीवी फुटेज की बात आप कर रहे हैं उसकी जांच करा ली जाएगी, अगर उसमें भी कोई अपराध के तत्व पाए जाते हैं तो दर्ज कर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और बात श्योपुर की, जहां शहर की एक मस्जिद के मुलाजिमों ने रात के समय मस्जिद के मुख्य गेट और उस पर लगी 2 कुंडियों के अपने आप खोलने का दावा किया। उनका दावा है कि खुदा की इबादत करने के लिए अदृश्य शक्तियां मस्जिद में आती रहती हैं। उनका यह भी दावा है कि कोई रात के समय इबादत करके मस्जिद में सो जाता है तो ये शक्तियां उन्हें तमाचा भी मार देती हैं। से खुला है बहुत ज़्यादा और इसको इतना बंद करके गए थे कि नीचे गैप है, जानवर वगैरह कुत्ते के बच्चे वगैरह ये अंदर आ जाते हैं, उसमें पत्थर लग रहे थे, वो पत्थर भी हट गए, गेट खुल गए और सामने बाहर मस्जिद की एक पन्नी घूमती है हवा से, ऐसा लगता है जैसे कोई हस्ती आई है। खरगोन के गोगावा में शीतला माता मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच महाआरती की गई। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और एसपी धर्मराज मीना सहित भारी पुलिस बल और अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। चैत्र नवरात्रि की सप्तमी पर प्रतिवर्ष बजरंग दल और हिंदू संगठन महाआरती का आयोजन करते हैं। गोगावा के जामा मस्जिद से लगे शीतला माता मंदिर में महाआरती के लिए प्रशासन ने
सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। अंबिकापुर में कांग्रेस प्रत्याशी शशि